हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक विथ मिट्टू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो है शिक्षा विभाग के द्वारा जो है मुख्यमंत्री यानी कन्या उत्थान यानी ग्रेजुएशन पास करने पे जो 50,000 रुपये दिए जाते हैं या फिर 25,000 रुपये पहले दिए जाते थे, इसके रिगार्डिंग मैं आज की इस वीडियो में कुछ बात करने वाला हूँ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उनका कुछ रजिस्ट्रेशन करते समय किसी ने जो है कुछ ना कुछ जो है गलती कर लिया है, तो गलती होने के बाद क्या कर सकते, इसका कोई समाधान है या नहीं है, तो वो चीज़ सारा आपको इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल टेक विथ बिट्टू पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए, मैं बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसे हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जैसे कोई स्टूडेंट है, जैसे कि किसी किसी स्टूडेंट का एक सवाल है कि सर मेरा सारा चीज़ जो है वेरीफाई हो चुका है, बट जो है वहाँ पे जो है रेसिडेंस में या निवास प्रमाण पत्र में जो है क्या कर रहा है कि वहाँ पे जो है पेंडिंग शो कर रहा है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, अगर पेंडिंग शो कर रहा है तो आपको घबराना नहीं है, वह पेंडिंग वेरीफिकेशन चल रहा है, वेरीफिकेशन क्लियर होने के बाद जो है अगर आपका जब रिजेक्टेड शो करेगा तो आपको परेशानी हो सकती है। अगर पेंडिंग है तो आपको घबराइए नहीं, सबका धीरे धीरे वेरीफिकेशन हो रहा है। अब किसी किसी ऐसे स्टूडेंट है तो उन सबके मन में सवाल है कि सर कि मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड कब आएगा, तो मैं ये बता दे रहा हूँ 2 से 3 दिन अभी वेट कीजिए, 2 से 3 दिन के बाद जो है वह यूज़र आईडी पासवर्ड आना शुरू हो जाएगा। तो आपका चेक करते रहिए आपका ईमेल आईडी जो दिया था रजिस्ट्रेशन के समय, या फिर आप जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस मोबाइल पर जो आप अपना चेक करते रहिए। अगर यूज़र आईडी पासवर्ड आपको आ जाता है तो आप कमेंट कर देंगे कि सर मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड आ गया है, तो मैं एक नया प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिससे सभी लोगों को जो है जानकारी मिल सकेगी। कुछ ऐसे स्टूडेंट है कि जैसे क्या हुआ है कि कोई कोई ऐसे स्टूडेंट है कि अपना रजिस्ट्रेशन किए हैं, रजिस्ट्रेशन करते समय कोई अपना बैंक अकाउंट ही गलत डाल दिए या फिर फादर नेम गलत डाल दिए या कुछ डाल दिए, फिर भी अगर वहाँ पे जो है क्या हुआ है कि वेरीफाइड हो चुका है। दोस्तों, अगर आपने बैंक अकाउंट नंबर ऑनलाइन करते समय रजिस्ट्रेशन करते समय गलत डाल दिया है और आपका अकाउंट वेरीफाइड हो गया है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे वही मैं बता देता हूं। दोस्तों, अगर आपका वेरीफाइड हो गया है और पेमेंट स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है तो आपको क्या करना है, तो ये तो आपकी गलती है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ कर लिया है, गलती कर लिया है, तो ये तो आपकी गलती है, क्योंकि जो चीज़ एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है वो कभी करेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको एक चीज़ आपको वेट कर सकते हैं, जब अगर आपका यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाता है तो आप वहाँ पर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद अगर वहाँ पर कुछ आपको करेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है तो आप कर सकते हैं, या फिर आपका 99% चांस है। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, अगर बैंक अकाउंट वेरीफाइड हो गया है तो आप उसको करेक्शन नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ध्यान से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना अकाउंट नंबर सही से डालेंगे, अगर अकाउंट नंबर वेरीफाइड हो गया तो आपको पैसा नहीं मिल पाएगा, अगर गलत अकाउंट नंबर डाल देंगे तो उसी अकाउंट नंबर में पैसा चला जाएगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन करने का जो मेहनत है और आपका 50,000 पाने का जो दिमाग में सोच है वो सारा पानी में चला जाएगा। तो ये चीज़ आपको सही से ध्यान से, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको सही से रजिस्ट्रेशन करना है। अगर और भी कोई परेशानी होती है तो आप जो है मेरे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको वीडियो के नीचे मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके टेलीग्राम पर भी हमसे सवाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ करेक्शन हो गया है तो वो बाद में एडिट नहीं हो पाता है, ये चीज़ आप जान लीजिए। और यूज़र आईडी पासवर्ड की बात करें तो यूज़र आईडी पासवर्ड जो है आपका 2-3 दिन वेट कीजिए, जगह आपका जिसका भी अगर यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाता है तो फर्स्ट टाइम क्या करें कि आप मुझे कमेंट कर दें। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पर जो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिखेगा उस पर आप बता देंगे कि सर मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड आ गया है, तो मैं उस यूज़र आईडी पासवर्ड आने के बाद किस तरह से आपको फॉर्म भरना है उसका भी प्रॉपर वीडियो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह जानकारी पसंद है तो इस वीडियो का लाइक ज़रूर कर दें, अगर कोई भी जानकारी पसंद अगर ये जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।